एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस मेकओवर। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप ब्रशेस। यस, तो लास्ट टाइम मैंने भी आपके साथ एक मेकअप ब्रशेस और आपके साथ शेयर करे थे, उनका रिव्यू प्लस डेमो भी शेयर किया था कि ये मेकअप ब्रशेस कैसे हैं। तो काफ़ी अच्छा मेकअप ब्रशेस था, जो फुलजी के मेकअप ब्रशेस थे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज भी मैं मेकअप ब्रशेस के बारे में बात करूँगी, और यहाँ पे मेरे पास है ये वाले मेकअप ब्रशेस, और ये काफ़ी उससे भी ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस हैं, और इसमें आपको फेस ब्रशेज, आई ब्रशेज दोनों आपको मिल जाएंगे। एंड इसको मैंने अमेजोन से बाय किए थे, मोस्ट अफोर्डेबल ब्रशेज हैं। सो अगर आप बिगनर अगर आप उससे भी ज़्यादा अगर आप अफोर्डेबल ब्रशेज आप देख रहे हैं तो आप ये वाले ब्रशेज ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये वाले किस तरह के ब्रशेज़ हैं, किस तरह के मेकअप ब्रशेज़ हैं। यहाँ इसमें इस पाउच में 15 मेकअप ब्रशेज़ आते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इनके हेयर्स काफ़ी स्मूथ हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आए। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे मेकअप ब्रशेज़ हैं। तो इसमें सारे आपको मिल जाएंगे, फेस हो या आई मेकअप हो या फिर अगर आपको कंटोरिंग करनी है, ब्लशिंग करनी है, तो सारे ब्रशेज़ आपको एक पाउच में मिल जाएंगे। तो अगर आप मेकअप सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं और कोई आप बहुत ज़्यादा ही मोस्ट अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेज़ सर्च करें, तो आप एक बार इस तरह के मेकअप ब्रशेज़ को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ब्रशेज़ हैं, और मैंने ये वाला जो लुक मैंने क्रिएट किया है, मैंने इन्हीं ब्रशेज़ से मैंने मेकअप को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि इस लुक को मैंने इन ब्रश के साथ कैसे कंप्लीट किया है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर लेते हैं कि इन ब्रशेज़ को कैसे यूज़ करते हैं और इनका वर्क कैसे है, कैसे नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपने स्किन केयर फॉलो करेंगे, स्किन को प्रेप करेंगे। यहाँ पर मैंने टोनर लगा लिया है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। तो इनको तो ये बेसिकली जो स्किन से पहले, मेकअप से पहले जो स्किन केयर किया जाता है वो फॉलो किया है मैंने, सिंपल और कुछ नहीं है। तो मेकअप हम आगे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्किन केयर फॉलो हो गया है, और इसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर से आपको पता ही है, जैसे फेस पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसको ब्लर आउट कर देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी स्टे करता है। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्रश, और ये लिया है मैंने कंसीलर का, जोएवा का ब्रश लिया है, कंसीलर ब्रश है ये। और इसकी हेल्प से मैंने जो ऑरेंज कलर करेक्टर है इसको मैं अपने डार्क सर्कल्स एरिया पे या फिर डार्क स्पॉट्स एरिया पे लगा लूँगी इस ब्रश की हेल्प से। सो गाइस, ये जो ये ब्रश है और इसमें जो जिसका जो कलर है ये रोज़ गोल्ड कलर में आता है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं ये कलर। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, और इस पाउच में एक फाउंडेशन ब्रश आया है जो कि काफ़ी सुंदर है, फ्लैट ब्रश है और काफ़ी यूज़फुल ब्रश है। तो मुझे बहुत ही पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला ब्रश, बहुत ईजिली फाउंडेशन को स्प्रेड कर रहा था, अच्छे से ये ब्लेंड भी कर रहा था। अगर मैं इस ब्रश को ब्लेंड के बाद अगर मैं कोई मतलब जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो यूज़ भी ना करूँ तो भी वो चल जाएगा। तो बहुत अच्छे से ये ब्रश ब्लेंड कर रहा था मेरे फाउंडेशन को। बट मैंने इसके बाद दोबारा वही थोड़ा सा मैंने इसको डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो भी क्रीज है या फिर कोई भी एक्सेस फाउंडेशन है वो हमारे ब्लेंडर में आ जाए। नेक्स्ट यूज़ किया है मैंने कंसीलर, और यहाँ पे कंसीलर आप तो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ बेसिकली मैं एक ब्रशेज़ के ऊपर दिखा रही हूँ, तो कंसीलर का ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने यूज़ किया वही आप यूज़ करें। तो कंसीलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंसीलर में यहाँ पे एप्लीकेटर आता है तो वो ईजिली लग जाता है। एंड उसके बाद उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने सेम कंसीलर ब्रश लिया है, और इसकी हेल्प से मैंने ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, इस ब्रश में क्या है, बहुत ईजिली ये ब्लेंड कर रहा था, ऐसा नहीं है कि क्रीज पड़ रही थी या फिर इस ब्रश से ड्राई हो रहा था।
तो ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत इजीली ये ब्लेंड कर रहा था। तो मतलब एक फ्रीली हैंड से मैं इसको ब्लेंड कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये मेकअप ब्रशेज। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस तरह का वीडियो शेयर किया जाए, कि मेकअप ब्रशेज को यूज़ करने के बाद ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं ब्रशेज, और क्यों ना सोचा कैसे जैसे कि बिगनर्स होते हैं या फिर जो मेकअप सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अफोर्डेबल ब्रशेज क्यों ना मैं लेके आऊँ। या सो नेक्स्ट मैंने ये ब्रश लिया है, कॉम्पैक्ट ब्रश है ये, काफ़ी फ्लफी ब्रश है और स्मूथ भी है। तो इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने अंडर आई पे जो भी क्रीज पड़ती है, आईज़ के ऊपर, आईलिड पर, पूरे फेस पे मैं अच्छे से इसको पाउडर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से पाउडर लगा लूँगी। तो काफ़ी स्मूथ था, काफ़ी अच्छे से पाउडर लग गया था मेरे फेस पर। इसके बाद एक एंगल ब्रश लिया है मैंने, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, जितने भी गैप्स हैं मेरी आईब्रोज़ पे तो उसको फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट लिया है मैंने बिल्कुल फ्लैट ब्रश है ये, स्क्वायर में है, और सबसे अच्छे मुझे ये लगा इस पाउच में एक इसका फ्लैट ब्रश दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है जो आपकी जो आईब्रोज़ है उसके जो एजेस हैं बिल्कुल शार्प या फिर क्लीन दिखाने के लिए आप इस तरह से आप ये कर सकते हैं, या फिर आप इससे आप अपनी आईज़ पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नोज़ पे करना हो तो नोज़ पे भी आप इस पे कंसीलिंग कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ब्रश, बिल्कुल फ्लैट ब्रश है और आईब्रोज़ की जो एजेस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल ब्रश है। नेक्स्ट में आएंगे अब आई शेडो पे और आई मेकअप पर आएंगे, और यहाँ पे मैंने एक आई शेडो ब्रश लिया है और काफ़ी अच्छा है, सुंदर सा है, फ्लफी ब्रश है ये। तो इसमें सेम ब्रश, 3 ब्रश आपको मिलेंगे इस पाउच में, सेम फ्लफी ब्रश या फिर ब्लेंडिंग ब्रश भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा था मेरी आईज़ पे, जो भी मैंने अपना जो कलर लिया था वो अच्छे से पिगमेंट कर रहा था, अच्छे से पिक कर रहा था वो ब्रश में, और अच्छे से भी वो अपनी आईज़ पे, हमारी आईज़ पे भी लगा रहा था। तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा ये ब्रश, और आप देख रहे हैं मैंने इसके बाद वाटर लाइन पे भी लगाया, और सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद मैं मस्कारा लगा लूँगी। तो मस्कारा के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप सेम मस्कारा यूज़ करें, जो भी आप मस्कारा यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन का लिया है टेम्पटेशन मस्कारा, जो ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है मेरा। आप इसको लगाने के बाद फॉल्स लैशेज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप लैशेज़ नहीं लगाते तो आपसे मस्कारा से भी लगा के भी काम चला सकती हैं। नेक्स्ट अब इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ किया और मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको जो मेरा लूज़ पाउडर है उसको पूरे फेस पे लगा लूँगी, ताकि जो फेस पे जितना भी मैंने क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं वो एकदम से मेरा फेस मैटी मैटी हो जाए और क्रीज ना पड़े। या सो उसके बाद मैंने लिया है कंटोरिंग करेंगे, यहाँ पे कंटोरिंग ब्रश लिया है मैंने, और आपको दिखाया था कंटोर ब्रश जो होता है बिल्कुल एंगल ब्रश की शेप में होता है, और सेम आई शेडो पैलेट में से मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपने कंटोरिंग कर लेंगे। और आप चाहें तो ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई और अलग से प्रोडक्ट लेके अगर आपको कंटोरिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करेंगे ब्लशर, यहाँ पे ब्लशर के लिए बहुत ही सुंदर सा ब्लशर ब्रश है, और बहुत सुंदर सा पिगमेंटेड जो भी हमारा ब्लश का कलर था बहुत पिगमेंटेड दिखा रहा था। एंड इसके बाद मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है, फ्लफी ब्रश, और इसकी हेल्प से मैं अपने हाइलाइटर यूज़ कर लूँगी, जहाँ जहाँ यूजली जो हमारा हाइलाइटिंग एरिया होता है। एक्चुअली क्या ये जो बहुत ही स्मॉल ब्रश है इसकी हेल्प से ना काफ़ी ईजिली ब्लेंड भी हो रहा था जो हमारा हाइलाइटर था। एंड मैं सेम जो हाइलाइटर है उसको अपने इनर कॉर्नर पे लगा लूँगी फिंगर की हेल्प से। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है फैन ब्रश, और फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसको हाइलाइटर को 1 टाइम और लगाऊँगी, एंड इसके बाद मेकअप फिक्सर यूज़ कर लेंगे, देन लिपस्टिक। सो ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक गाइज। सो गाइज काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हुआ, एकदम सा फ्लॉलेस मेकअप बेस और काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हुआ है। तो बिगनर्स अगर आप इस तरह के मेकअप ब्रशेस फाइंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन मेकअप ब्रशेस को ट्राई कर सकते हैं, और आप इनको अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं, प्राइस इनका 399 का इनका प्राइस है। तो डेफिनेटली आपको ये पसंद भी आएंगे, आपका मेकअप को बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस भी दिखाई देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी वीडियो तो मुझे बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।